गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर इन इक्वेशंस वी हैव कंप्लीटेड अप टू पॉइंट नंबर 67. कितने पॉइंट्स है इस चैप्टर में? ऐसे 115. तो 67 तक हम कंप्लीट किए थे. चलो फिर चलो वी कंटिन्यू. पॉइंट नंबर 68 ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू. ओके, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 7x² माइनस 21x माइनस 27 इज इक्वल टू 0 आर. क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से बेटर है. अब सॉल्व कर दिया तो वो सिंथेटिक डिवीजन एंड ऑल दोस थिंग बहुत झमेला है, उसमें ऑप्शन से जाना कभी भी बेटर है. तो क्या चेक करेंगे? एक काम करो, पहले 3 के लिए चेक करो. किसके लिए? 3 के लिए. तो 3 के लिए अभी वैसे नन ऑफ दीज नहीं है इसमें, तो 3 के लिए टैली हुआ तो बी एंड सी में से एक रहेगा, नहीं हुआ तो ए एंड डी में से एक रहेगा. तो चलो फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 टैली करेंगे क्या? बोलो 3 क्यूब कितना आता है? 27 प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर कितना है? 63 माइनस 21 इंटू 3 63 माइनस 27 ये 0 आ रहा है क्या? यस, तो टैली हो गया. मतलब या तो बी रहेगा या सी रहेगा. अब क्या करेंगे? अब 1 के लिए टैली करते. किसके लिए? 1 के लिए. अगर हुआ तो ऑप्शन सी, नहीं तो बी. नन ऑफ दिस तो ऐसे भी नहीं है इसमें. तो 1 के लिए हाँ करो, 1 का क्यूब कितना है? 1 प्लस 7 इंटू 1 स्क्वायर 7 माइनस 21 माइनस 27 ये 0 आया है नहीं आया? नहीं आया. तो करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि अब सी आउट हो गया ना, एंड ए एंड डी तो पहले भी बाहर था. कुछ गया दिमाग में? अब बी के तीनों के लिए टैली होता है कि नहीं हमने चेक नहीं किया, बट ए सी डी ये कंफर्म रॉन्ग है. करेक्ट है? आप चेक करो, फिर भी बी के लिए टैली हो जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट. इफ 4x³ प्लस 8x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्या क्वेश्चन दिया है बोलो? 4x³ प्लस 8x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू हाउ मच, ये पूछ रहा है. क्या बोल रहा है? 2x प्लस 3. अब x का वैल्यू इज नॉट आस्क्ड टू अस. एक्स का वैल्यू इज नॉट आस्ड. 4x³ प्लस 8x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है क्या आपको? ये इसमें मैंने समझो 4x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बोलो? या 4x² कॉमन लिया तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? x प्लस 2. इसमें माइनस 1 कॉमन लो तो क्या रहेगा? x प्लस 2 इज इट इक्वल टू 0. तो अब बताओ, x प्लस 2 कॉमन लिया तो अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा? 4x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अच्छा, ये x प्लस 2 है, ये 4x² माइनस 1. 4x मतलब 4x² मतलब 2x का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो कैन दिस बी रिटन एज 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0? डू यू एग्री? तो बताओ x इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1 बाई 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. डू यू एग्री? अच्छा, ये x के तीन वैल्यूज आ गए क्या? क्या क्या x की तीन वैल्यूज है बताओ? पहला क्या है x का वैल्यू? माइनस 2. दूसरा वैल्यू 1 बाई 2. तीसरा वैल्यू माइनस 1 बाई 2. तो ये x के तीन वैल्यूज है, तो 2x प्लस 2 के भी तीन वैल्यू रहेंगे. सॉरी, 2x प्लस 3 के रहेंगे कि नहीं? तो बोलो 2x प्लस 3. जब x माइनस 2 रहेगा तो 2x ये कितना आएगा बोलो? 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3. क्या आंसर है? माइनस 1. यस और नो? अच्छा बताओ, जब x 1 बाई 2 रहेगा तो 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 3 का क्या आंसर है बोलो? 4. एंड जब x माइनस 1 बाई 2 है तो क्या रहेगा? 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस 3. तो 3 माइनस 1 इज 2. तो 2x प्लस 3 के भी तीन पॉसिबल वैल्यूज है. कौन से? माइनस 1, 4 एंड 2. ऑप्शन ए. समझा क्या?
ये हमें क्यों सॉल्व करना पड़ा समझा क्या? क्योंकि हमें x का वैल्यू पूछा नहीं था आंसर में, क्या पूछा था? 2x plus 3 is how much? ये पूछा था ना। तो अगर x के तीन वैल्यूज है तो 2x plus 3 के भी तीन पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। x के तीन वैल्यूज है तो बोलो 2x plus 3 के भी तीन पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, x कॉमा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इज नोन एज, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो? नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ओके, विच विल रिस्ट्रिक्ट द फिजिबल रीजन इन, कौन सा क्वाड्रेंट बोलो? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स कॉमा वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ होते? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जब जब एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, फिजिबल एरिया विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ आए क्या? फिजिबल एरिया विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिखिए क्या आप लोग, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इज नोन एज, इज नोन एज वॉट? नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, इज नोन एज नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, एंड दैट विल रिस्ट्रिक्ट द फिजिबल रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट विल रिस्ट्रिक्ट द फिजिबल रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। फाइंड द फिजिबल एरिया फॉर 3x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। अब अच्छे से सुनो ये बच्चों, प्लीज ध्यान दे रहे हो क्या? जब भी आपको 3x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6 का फिजिबल एरिया या ऐसा कुछ पूछेगा, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन। कौन सा लाइन ड्रॉ करने का? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। लाइन इक्वल टू का 6 का होता है, बट ये लाइन ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई दो पॉइंट ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स। तो बताओ ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट बताओ मुझे। अगर x 2 रखा तो y कितना होगा? 0, क्योंकि 3 इंटू 2 6, माइनस 0 6 टैली होता है, नहीं समझा आपको? एंड अगर मैंने x हाँ बोलो या y 0 कर दिया, सॉरी x 0 कर दिया तो y कितना होगा? माइनस 6। डू यू एग्री? हाँ चलो, अब सब लोग अच्छे से ध्यान दो बच्चों। दो मिनट के लिए मान लो कि ये तुम्हारा y एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है? y, एंड ये x एक्सिस है। ध्यान दे रहे हो? ये x एक्सिस है, इसे समझो, ये ड्रॉ किया हुआ, समझा? ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, ठीक है बच्चो? अब बताओ ये पॉइंट 2,0 इधर रहेगा कहीं, तो रहेगा कि नहीं? एंड 0 माइनस 6 इधर रहेगा, नहीं समझ रहा है कोई? 0 माइनस 6 y एक्सिस पे रहेगा। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन समझो ये है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? ये लाइन है, तो ये लाइन क्या है मुझे बताओ? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये लाइन है। हमें क्या चाहिए? 3x माइनस वाई लेस देन 6 चाहिए या मोर देन 6 चाहिए? मोर देन, लेस देन चाहिए? 3x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 6, नहीं समझा आपको? तो ये लाइन के या तो लेफ्ट में या तो राइट में फिजिबल एरिया रहेगा। तो आप मुझे बताओ कोई लेफ्ट का कोई भी एक पॉइंट बताओ, कोई भी, ये पॉइंट 0,0 है। तो आप बताओ, मैं ये इधर 3 × 0 माइनस 0 रख दिया तो क्या आंसर आता है? 0। 0 लेस देन 6 है क्या? है, मतलब दैट 0,0 इज अ पार्ट ऑफ फिजिबल एरिया और नॉट? यस, 0 इज लेस देन 6 टैली हो रहा है ना भाई? नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं? 0 इज लेस देन 6 टैली हो रहा है कि नहीं? तो बोलो फिजिबल एरिया ओरिजिन के साइड में है, इसका मतलब फिजिबल एरिया ये साइड में है, समझा या नहीं? फिजिबल एरिया कौन से साइड में है? ए साइड में। डू यू एग्री? तो ये जो मैंने लाइन से दिखाया है, दिस इज द फिजिबल एरिया। कुछ जा रहा है दिमाग में? अब आपको लग रहा है सर एग्जाम में ऐसा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा, बट ये डायग्राम ड्रॉ करके पूछेंगे कि ये फिजिबल एरिया कौन से इक्वेशन का है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया कैसे करते हैं, कुछ गया दिमाग में? अच्छा, फिजिबल एरिया राइट में नहीं है ये समझ, अभी समझो ये पॉइंट किया मैंने कोई भी, समझो 10 है, तो 2, 3 × 10 − 10, 30 − 10 क्या आता है? 20 लेस देन 6 है क्या? नहीं है, तो फिजिबल एरिया इज नॉट ऑन दिस साइड, फिजिबल एरिया इज ऑन अदर साइड, समझा क्या? ओके, कुछ गया दिमाग में? कर रहे हो क्या ड्रॉ? कुछ बहुत ज़्यादा डिजाइन करने की जरूरत नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाएगा ना? क्या लिखा था हमने बोलो? फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन। चलो एक बार वापस लिखते हैं। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन
वी विल ड्रॉ द लाइन, कौन सा लाइन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 बाय जॉइनिंग, बाय जॉइनिंग बोलो 2, 0 एंड 0, -6, 2, 0 एंड 0, -6, सही है क्या भाई? तो बोलो ये 2, 0 ये इधर रहेगा क्या, एक अप्रोक्सीमेटली 2, 0 इधर रहेगा एंड 0, -6 ये पॉइंट है समझो, 0, -6 वाई एक्सिस पे रहेगा, कहाँ रहेगा थोड़ा बहुत अंदाज तो है ना? तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है ये कौन सा है बोलो, 3x - y इज इक्वल टू 6। अब कन्फ्यूजन यही है कि ये लाइन के कौन से साइड में अपना फिजिबल एरिया है, समझ आए क्या? तो सुनो ध्यान से बच्चों, ये लाइन एग्जैक्टली ये लाइन पे 3x - y 6 आता है, ये लाइन के लेफ्ट में 3x - y < 6 रहेगा एंड इसका प्रूफ है 0, 0 के लिए वो टैली होता है, येस और नो? एंड इसके राइट में, ये लाइन के राइट में 3x - y का वैल्यू क्या रहेगा, 6 से ज्यादा रहेगा, तो हमें लेस देन और इक्वल टू 6 चाहिए, मतलब ये जो अभी मैं बता रहा हूँ दिस इज द फिजिबल एरिया। एंड जब भी फिजिबल एरिया ऐसे लेफ्ट में अनलिमिटेड या राइट में अनलिमिटेड होता है उसको बोलते अनबाउंडेड, कभी ऐसा वर्डिंग आया तो कंफ्यूज मत होना, तो ये फिजिबल एरिया क्या है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ऑन वन साइड, समझा क्या? तो ये अनलिमिटेड फिजिबल एरिया है क्या? चलो नेक्स्ट, फाइंड द फिजिबल एरिया फॉर, फाइंड द फिजिबल एरिया फॉर, क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग, बोलो क्या है, फाइंड द फिजिबल एरिया फॉर 2x + 9y < or = 54। तो क्या करेंगे बोलो, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन, फर्स्ट वी विल बोलो ड्रॉ द लाइन, हाँ कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे, 2x + 9y = 54 बाय जॉइनिंग पॉइंट्स, बाय जॉइनिंग पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स बताओ, 27, 0 एंड 0, 6, 27, 0 एंड 0, 6, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? दो मिनट के लिए मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान है सबका? बोलो बच्चों, एक 27, 0 ये पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कहाँ रहेगा, कुछ अंदाज तो है, ये एक्स एक्सिस पे रहेगा कहीं तो, इज इट 27, 0 एंड 0, 6 कहाँ रहेगा, वाई एक्सिस पे, वो भी पॉजिटिव साइड में रहेगा ना, येस और नो? तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, कर दिया ये दोनों को ज्वाइन, येस और नो? एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, दिख रहा है क्या आपको, एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, करेक्ट है? अब बताओ ये लाइन के कौन से साइड में फिजिबल एरिया रहेगा, अब बताओ, 2x + 9y = 54 है ना, तो क्या करने का, ओरिजिन के लिए चेक करने का, समझा क्या? तो ओरिजिन के लिए x 0 y 0 रहता है, तो 2 × 0 + 9 × 0 कितना आता है, 0, 0 < 54 है क्या, है, तो इसका मतलब फिजिबल एरिया इज ऑन दिस साइड, मतलब ओरिजिन इज शुड बी द पार्ट ऑफ फिजिबल एरिया ना, एंड अगर उसके लिए ओरिजिन के लिए टैली नहीं होता तो फिजिबल एरिया कौन से साइड में होता, दूसरे साइड में, येस और नो? तो फिजिबल एरिया इज ऑन दिस साइड, कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, फाइंड द फिजिबल एरिया फॉर 3x - 2y > or = 30। तो बोलो क्या लिखो यहाँ पे, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन, कौन सा लाइन बोलो, फर्स्ट वील ड्रॉ द लाइन बोलो 3x - 2y = 30 बाय जॉइनिंग, कौन से दो पॉइंट ज्वाइन करके बोलो, 10, 0 एंड 0, -15, 0, -15, तुम्हें समझता नहीं पॉइंट्स, एटलीस्ट एक्स जीरो रख के वाई फाइंड कर रहा हूँ मैं, वाई जीरो रख के एक्स फाइंड कर रहा हूँ, एंड चलो ये हमें लाइंस, ये लाइन हमें ड्रॉ करना है एक्चुअली अभी, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक अप्रोक्सीमेट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बराबर है ना, कोई 100% एक्यूरेट स्केल ले रहे कि यहाँ पे हम लोग नहीं, दिस वाई एक्सिस दिस एक्स एक्सिस, हाँ चलो बोलो कौन सा पहला वाला पॉइंट चाहिए अपने को, 10, 0, तो अप्रोक्सीमेटली ये 10, 0 इधर है समझो, एंड 0, -15 कहाँ रहेगा, नीचे वाई एक्सिस पे, तो ये 0, -15, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये ज्वाइन करने के बाद जो लाइन आ रहा है इसका इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 30, समझा क्या? अच्छा बता, अभी ओरिजिन मतलब यहाँ पे x 0 y 0 रहेगा, तो 0 - 0 0 का आंसर, 0 > 30 है क्या,
नहीं है तो फिजिबल ओरिजिन फिजिबल एरिया का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो फिजिबल एरिया कहाँ है? अपोजिट साइड में ओरिजिन के, समझा क्या आपको ये? तो फिजिबल एरिया इज ऑन दिस साइड। बाउंडेड या अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड, इधर तो अनलिमिटेड ही आएगा ना, सो दिस अनबाउंडेड कॉमन फिजिबल एरिया। आपको समझा क्या बच्चों? अनबाउंडेड कॉमन फिजिबल, आपको ग्रेटर देन 3x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 था ना इक्वेशन? देखो इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 30 रहने दो, लेस देन इक्वल टू 30 रहने दो, लाइन ड्रॉ करने तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बाद में एरिया कौन से साइड में है ये जानने के लिए ग्रेटर देन या लेस देन देखना पड़ेगा ना आपको, समझा क्या? नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन फिजिबल एरिया फॉर, फाइंड द, तो चलो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन, कौन सा लाइन ड्रॉ करना है बोलो? एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100 बाय जॉइनिंग, बाय जॉइनिंग पॉइंट्स, बोलो कौन से पॉइंट्स? 100 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 50, 100 0 एंड 0 50, 100 0 एंड 0 50, सही है? तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे समझ, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, ध्यान है सबका? बोलो समझो ये पॉइंट 100 कॉमा 0 है, ये पॉइंट क्या है? 100 कॉमा 0 एंड मान लो ये पॉइंट 0 कॉमा 50 है, सही है क्या बच्चों? तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, देख रहे हो? तो ज्वाइन कर दिया तो ये इक्वेशन क्या है बोलो? x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100, डू यू एग्री? x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100 है। अब बताओ बच्चों, वैसे ये लाइन के लिए फिजिबल एरिया का ओरिजिन 0 प्लस 0 लेस देन 100 है क्या? अरे ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं उसको, तो ओरिजिन फिजिबल एरिया है। तो सुनो सुनो सब लोग सुनो अच्छे से, फिजिबल एरिया ये होना चाहिए अभी इसके लिए, ये अनलिमिटेड, समझा है? नहीं, बट साथ साथ में वो क्या बोल रहा है? साथ साथ में ध्यान दे रहे हो क्या? साथ साथ में वो क्या बोल रहा है? राइट, क्या बोल रहा है बोलो? एक्स कॉमा वाई शुड बी, बोलो एक्स कॉमा वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आल्सो, मतलब फिजिबल एरिया इतना ही रह जाएगा। नहीं समझा आपको? कैसे बोलो? साथ साथ में ये बोल रहा है कि भाई एक्स एंड वाई हमें कुछ भी करके निगेटिव नहीं चाहिए, समझा क्या? तो अब फिजिबल एरिया देखो बाउंडेड है, यस और नो? तो ये कौन सा एरिया है बोलो? बाउंडेड, बोलो कॉमन फिजिबल एरिया, बाउंडेड बोलो। कॉमन ये वर्ड क्यों डाल दिया मैंने? क्योंकि अगर सिर्फ x प्लस टू वाई लेस देन और इक्वल टू 100 ही चाहिए था तो फिजिबल एरिया नीचे तक था, सिर्फ x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जो चाहिए था तो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट फिजिबल एरिया था, बट हमने वो एरिया फाइंड किया जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। नहीं समझे आप लोग? समझे क्या? एक सिंपल एग्जाम्पल, ध्यान दे रहे हो क्या? समझो ये लड़की के पापा ने बोला है कि, या समझो मम्मी ने बोला है, ये लड़की की मम्मी बोल रही है बेटा 80% के से नीचे मार्क्स आए तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझा क्या? तो इसको कितने मार्क्स लाना पड़ेगा? 80 to 100 खाना खाने के लिए घर पे। समझो इसके पापा ने बोला है कि देख बेटा 90% के ऊपर आज तक अपने खानदान में किसी ने मार्क्स नहीं लाए, तो 90% के ऊपर गई ना तो तुझे घर में ही नहीं लूंगा, समझा क्या? 90% के ऊपर गई तो घर में नहीं लूंगा। तो अब इसके पापा के हिसाब से इसको कितने मार्क्स लाना पड़ेगा? 0 to 90। पापा तो जीरो में खुश है भाई, 0 to 90। वो बोल रहे 90% के ऊपर नहीं जाना है, उन्होंने नीचे का लिमिट दिया ही नहीं कुछ, 0 to 90। तो पप्पा का फिजिबल एरिया क्या है? 0 to 90। मम्मी का 80 to 100। तो 80 to 90 इज कॉमन, मतलब अगर उसको घर पे भी आना है और खाना भी खाना है तो 80 to 90 में रहना पड़ेगा। 90 के ऊपर गई तो क्या होगा, समझा क्या? खाना तो मिलेगा बट घर के बाहर बैठना पड़ेगा, करेक्ट और नॉट? एंड 0 to 80 में क्या होगा, समझा क्या? क्या होगा? घर रहेगा बट खाना नहीं मिलेगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने, ये तो मैं नॉर्मल एग्जांपल दिया, बट बिजनेस सिचुएशंस रहता ना कल जाके, मटेरियल अवेलेबिलिटी, मतलब ये कर दिया तो मटेरियल अवेलेबल है बट लेबर अवेलेबल नहीं, ये रिसोर्स अवेलेबल है बट वो नहीं, पैसे है बट, समझा ना, लेबर नहीं है, ऐसे कंस्टेंट रहते हैं ना। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने करने के बावजूद बावजूद जो आंसर आता है बाद में उसको बोलते कॉमन फिजिबल एरिया, समझता है क्या? यस और नो? तो ये कॉमन फिजिबल एरिया है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड कॉमन फिजिबल एरिया फॉर, फाइंड कॉमन फिजिबल एरिया फॉर, कौन सा है बोलो? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50, तो राइट डाउन, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन, कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट? फर्स्ट
फर्स्ट वी विल बोलो ड्रॉ द लाइन, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द लाइन, कौन सा बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 बाय जॉइनिंग, बाय जॉइनिंग कौन से पॉइंट ज्वाइन करेंगे बोलो, 50 कॉमा 0 एंड 0 50 चलेगा क्या, देन वी विल ड्रॉ द लाइन, देन बोलो वी विल ड्रॉ द लाइन, हाँ बोलो कौन सा लाइन, x इज इक्वल टू 20 बाय जॉइनिंग, बोलो x इज इक्वल टू 20 बाय जॉइनिंग, बोलो 20 कॉमा 0 एंड 0 20 नहीं चलेगा यार, x इज इक्वल टू 20 तो 20 कॉमा 10 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा क्या, अरे x इज इक्वल टू 20 मतलब इट इज एज गुड एज x प्लस 0 y इज इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू कुछ भी रहने दो, x 20 रखा तुमने टैली हो जाता है वो, नहीं समझा आपको, अरे x प्लस 0 y है भाई, कुछ जाता है दिमाग में, देखो एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो सब समझेगा, दो मिनट ध्यान दोगे यहाँ पे, पहले समझो ये y एक्सिस है एंड ये x एक्सिस है, ध्यान है सबका, बोलो पहले आपने को कौन सा लाइन ड्रॉ करना है, तो समझो ये 50 0 है, सॉरी ये 0 50 है एंड ये 50 0 है समझो, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा लाइन, क्या आ जाएगा, कौन सा लाइन आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो समझो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है या नहीं है, अब बताओ बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, ये दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, अब बताओ बच्चों 20 कॉमा 0 ये पॉइंट है समझो, क्या है 20 कॉमा 0 एंड समझो ये 20 कॉमा 10 है, तो इनमें से ज्वाइन किया तो इट्स अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस, तो ये लाइन कौन सा है बोलो, x इज इक्वल टू 20, अरे x इज इक्वल टू 20 इज अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस समझता है ना, तो एक पॉइंट भी मिल गया तो वैसे बस था अपने को ना, ये फिर भी मैंने दूसरा पॉइंट लिया तो 20 कॉमा 10 20 कॉमा 20 कुछ भी लिखो, x 20 है y कुछ भी रहने दो, यस और नो, तो अब बताओ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50 का फिजिबल एरिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 के नीचे रहेगा, एंड दूसरा क्या है बोलो, x इज लेस देन 20 मतलब x इज इक्वल टू 20 के लेफ्ट में, अरे x इज इक्वल टू 20 लेफ्ट में भी लेस देन 20 रहेगा ना, एंड साथ साथ में वो ये क्या बोल रहा है, और बोलो साथ साथ में बोल रहा है कि x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ इतना ही एरिया है, नहीं समझा आपको, देखो x इज इक्वल टू 20 के लेफ्ट में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 के नीचे एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस और नो, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला इतना ही एरिया है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन फिजिबल एरिया, एंड ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है, बाउंडेड है, तो दिस इज बाउंडेड कॉमन फिजिबल एरिया। आपने इसके पहले कुछ भी किया नहीं रहेगा तो भी बहुत सारी चीजें समझ सकती है सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन से, इसलिए इसका नाम हमने कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन रखा है, सिर्फ रिविजन नहीं, समझता है, बहुत हद तक ये राइट सिलेबस यहाँ पे तुम कंट्रोल में ला सकते हो, बट ओनली थिंग इज दैट कंक्लूजन पे नहीं आना रहता, शुरुआत में लगते नहीं 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 मला तर हे येतच नाही, मी तर हे करणारच नाही, मला तर हे नकोच वाटतं, मला तर कसं तरी होतं, सबसे बड़ी बीमारी है कौन सी, कसं तरी होते है कि नहीं, कैंसर वगैरह छोटी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी कैंसर, क्योंकि उसको कुछ तो लाइन ऑफ एक्शन तो क्लियर है ना, एटलीस्ट कैंसर में भाई ये टैबलेट लो वो टैबलेट लो कीमोथेरेपी लो, 10% चांस है 20% चांस है 30% चांस है, कुछ तो है उसमें डिफाइंड, ये बीमारी का इलाज ही नहीं है, कौन से, कसर तरी होते, अभ्यास कर मंगा था नको का, कसर तरी होते काय होते, फारच असं कसं तरी होते काय, म्हणजे उलटी येते हात दुखतोय पाय दुखतोय, नाही फारच कसं तरी होते असं नको नको वाटते है की नाही, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, हो गए क्या भाई, ग्राफ ड्रॉ कर लिए क्या आप, चलो नेक्स्ट, अच्छा ये अगर आप देखोगे 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 दिख रहा है क्या आपको, ये जो भी इक्वेशन ये सारे लीनियर इक्वेशन है ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, एंड अगर आप इधर देखोगे तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, समझ है क्या आपको, तो जब भी इक्वल टू रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वालिटी, एंड जब भी लेस देन ग्रेटर देन रहा तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर
इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी, आइदर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, समझा क्या आपको ये? तो सुनो ध्यान से, अगर आप दिमाग में जाता है तो लीनियर इक्वेशन का लाइन रहता है, समझा क्या, जबकि लीनियर इनइक्वालिटी का एरिया रहता है, समझा क्या, लीनियर इक्वेशन लाइन एंड लीनियर इनइक्वालिटी एरिया, समझता है क्या आपको ये, यस और नो? तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन, वेर एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वेशन इज एन एरिया, समझा क्या आपको ये, लीनियर इनइक्वेशन का क्या रहता है, एरिया, आर यू गेटिंग दिस, यस और नो? मतलब या तो लीनियर इक्वेशन इज शोन बाय अ लाइन, लिखो नीचे, इट इज शोन बाय अ लाइन, एंड ये जो है इट इज शोन बाय एन एरिया, इट इज शोन बाय एन एरिया, लीनियर इक्वेशन का लाइन रहता है जबकि लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी का क्या रहता है, एरिया, इज दैट क्लियर? कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ओके, लाई इन डैश क्वाड्रेंट, तो आप बताओ बच्चों, दो लाइंस दिए हुए आपको एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा ये पूछ रहा है, तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो पहला इक्वेशन क्या था बताओ, एक काम करो, पहले इक्वेशन को दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, हाँ क्या आता है, 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 450, एंड दूसरे इक्वेशन दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो, हाँ बोलो क्या आता है, 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 1750, सही है क्या, माइनस माइनस माइनस, सही है, माइनस माइनस माइनस, बोलो 15x माइनस 15x कैंसिल हुआ, तो माइनस 16y इज इक्वल टू माइनस कितना 1300, क्या सही है क्या, तो 1300 डिवाइडेड बाय 16 का क्या आंसर है, 81.25, प्लस या माइनस, प्लस, तो y इज इक्वल टू 81.25 प्लस आया, डू यू एग्री? चलो पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 5x प्लस 3 इंटू 81.25 इज इक्वल टू 150, सही है क्या, तो 81.25 इंटू 3 करो कितना आता है, 243, बराबर है ना, वो 150 से डिडक्ट करो तो कितना आता है बोलो, 5x इज इक्वल टू 150 माइनस 243.75, बराबर ना बच्चों, नेगेटिव आ रहा है ना वो, माइनस 93.75 डिवाइड बाय 5 का क्या आंसर है बोलो, माइनस 18.75, तो बोलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, बोलो मेरे भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, फिर माइनस 18.75 कॉमा 81.25 माइनस कॉमा प्लस, बराबर है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं समझा आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो फिर वो कौन से क्वाड्रेंट में है ये बताना कोई बड़ी बात है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, गया दिमाग में, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 150 एंड 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 350 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, नेक्स्ट, वन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100 इज, तो आप बताओ इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट बताओ बोल रहा है, तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा ना आपको, कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे बताओ, जो पॉइंट वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो उस लाइन पे है, तो चेक करो 20, 30 वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है क्या, 2 × 20 + 5 × 30 100 नहीं आने वाला, देन 2 × 60 कितना आता है 120 प्लस 5 × −4 ये होता है टैली, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नहीं समझा आपको, सी के लिए भी फिर भी टैली करके देखो 2 × 8 कितना आता है 16 प्लस 5 × 20 = 60 16 + 60 = 100 तो है नहीं, तो ऑल ऑफ दिस का तो सवाल ही नहीं उठता, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अरे कोई लाइन मतलब होता क्या है, लाइन इज अ बोलो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स सैटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, एक बार लिखो लाइन का डेफिनेशन वापस, अ लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, बराबर है ना, इज अ सेट ऑफ व्हाट, इनफाइनाइट पॉइंट्स सैटिस्फाइंग गिवन लीनियर इक्वेशन, सैटिस्फाइंग गिवन लीनियर इक्वेशन, सही है, अ लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट सैटिस्फाइंग गिवन लीनियर इक्वेशन, अ लाइन इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट सैटिस्फाइंग गिवन
लीनियर इक्वेशन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स इज, तो ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो बोल रहा है. तो ये तो सीधा सीधा साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. बोलो पहला इक्वेशन क्या था, जल्दी बताओ. 3x plus 5y is equal to 120. दूसरा इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 10. तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इज इट कैंसल. तो 3y is equal to 110 आ रहा है क्या? 3x, 3y is equal to 110 है, तो y is equal to क्या आ रहा है बोलो? 36.6666. अच्छा, इससे ही क्लियर हो गया क्या? आंसर इज नन ऑफ दिस. इतने से ही क्लियर हो गया ना? कहीं पे भी अपने को नहीं दिख रहा है वो 36.666, करेक्ट और नॉट? वैसे 30, अब ये रख के x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बट जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं होने वाला है, वो इधर ही क्लियर हुआ. यस और नो? नेक्स्ट, दी पॉइंट्स 060, 090, 0-80, 0-66 लाई ऑन कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस. क्यों बोलो? x कोऑर्डिनेट इज 0, दैट मींस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट इज 0, दैट मींस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस. x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट इज ऑन y एक्सिस. y कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट इज ऑन x एक्सिस. सही है? कुछ गया दिमाग में? तो नेक्स्ट, द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग सेकंड क्वाड्रेंट आर, इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब माइनस कॉमा प्लस, मतलब x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0. ऑप्शन बी, याद है क्या भाई? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या रहते हैं बोलो? x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0. फोर्थ क्वाड्रेंट, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0. फर्स्ट क्वाड्रेंट, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. याद है आपको ये? पक्का? The line x is equal to 30 is parallel to, the line x is equal to 30 is parallel to y axis. If equation of the line is x is equal to constant, it's a parallel line to y axis. If equation of the line is y is equal to constant, it's a parallel line to x axis. Slope of x axis and all the lines parallel to x axis is 0, and slope of y axis and all the lines parallel to y axis is not defined. Likha tha na bhai humne? Okay, next. The line y is equal to 80 is parallel to x axis. Do you agree? याद रहेगा क्या है? If equation, इधर और एक बार लिखो, if equation of line is x is equal to constant, फिर वो constant कोई भी number रहने दो, समझा ना? Yes or no? It is a, बोलो, parallel line to, बोलो, इट्स अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस. एंड इसका अपोजिट स्टेटमेंट बताओ क्या रहेगा? इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कॉमा, इट इज अ पैरेलल लाइन टू x एक्सिस, इट इज अ पैरेलल लाइन टू x एक्सिस. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? पक्का? नेक्स्ट, इन अ नंबर 78,534 प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8,000. ये डाउट है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछो, थर्ड वाले को भी मत पूछो. वो थर्ड वाला पूछा तो झापड़ देगा, वो बोलेगा इतना नहीं आता है या नहीं. किसको पूछना पड़ेगा? फर्स्ट वाले को. तो 78,531 में व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? 8,000. What is place value of 7 over here? कितना? 70,000. Place value of 5? 500. Place value of 3? 30. Place value of 4? 4. Units place, tens place, hundred place. समझता है ना? Very good. The lines 2x plus 3y is equal to 60 and 10x plus 15y is equal to 238. How? सुन रहे हो क्या? Okay. अब देखो बच्चो, पहला equation क्या था मुझे बताओ? 2x plus 3y is equal to 60. कुछ मत लिखो, सिर्फ ध्यान दो. दूसरा इक्वेशन क्या है बोलो? 10x plus 50y. एक काम करो, दोनों साइड उसको 2 से 5 से डिवाइड करो. क्या आएगा बोलो? 2x plus 3y is equal to 238 divided by 5. जो भी आंसर है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन किया तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा ही कैंसिल हो जाएगा. x भी गया, y भी गया, तो कोई वैल्यू आएगा ही नहीं.
तो फिर क्या आंसर रहेगा? इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज, क्योंकि बहुत सिंपल है बच्चों। अब बताओ ये लाइन का स्लोप क्या है? बताओ स्लोप, स्लोप माइनस ए बाई बी, फॉर्मूला यूज करो, बताओ माइनस टू बाई थ्री। और ये लाइन का स्लोप क्या है? माइनस टेन बाय फिफ्टीन, मतलब क्या? माइनस टू बाई थ्री, मतलब ये दो लाइन का स्लोप सेम है, मतलब ये पैरेलल है, एंड पैरेलल है मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड सॉल्यूशन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। समझा क्या आपको ये? मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो दे हैव नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई, यस और नो? मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है दुनिया में जो ये दोनों इक्वेशन एट ए टाइम सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि ये वैसे भी ये दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, ये दो लाइन पैरेलल है, एंड कब पैरेलल रहते? जब दोनों का स्लोप सेम है। तो दोनों का स्लोप सेम था क्या? समझा क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एज दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आर बोलो पैरेलल टू ईच अदर कॉमा दे हैव नो सॉल्यूशन, दे हैव बोलो नो सॉल्यूशन, एज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर दे हैव नो सॉल्यूशन। सही है, दे हैव नो सॉल्यूशन एज दीज लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलो एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे दो नंबर बताओ बच्चों, ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट माइनस सिक्स है एंड सम माइनस फाइव है। हाँ बताओ, माइनस सिक्स एंड प्लस वन, तो क्या आएंगे बोलो? बोलो एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देयर फोर फैक्टर्स आर, फैक्टर्स क्या है बोलो? एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स प्लस वन, ये फैक्टर्स है मेरे भाई। एंड अगर आपको कोई बोलता रूट्स क्या है तो आंसर होता सिक्स एंड माइनस वन। तो फैक्टर्स एंड रूट्स में कंफ्यूज मत होना, समझ रहा है क्या? फैक्टर्स क्या है? एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स प्लस वन, एंड रूट्स क्या है? सिक्स कॉमा माइनस वन। तो क्या कौन सा ऑप्शन टिक करूं यहां पे? ऑप्शन सी, ये लास्ट वाला जो भी उधर बी डबल प्रिंट हुआ है, व्हाट एवर, लास्ट वाला यस और नो? एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस वन यही रहेंगे ना रूट्स, सॉरी फैक्टर्स। एंड अगर रूट्स पूछे होते तो क्या आंसर होता? सिक्स कॉमा माइनस वन आर द रूट्स, सिक्स कॉमा माइनस वन आर द रूट्स। कुछ गया दिमाग में? चलो नेक्स्ट, फॉर्मूले टू रिमेंबर, ये हम ऑलरेडी लिखे हुए कहीं पे, एक बार वापस लिखेंगे। अब देख के लिखेंगे क्या पहले वाले? लिखेंगे ना अभी? चलो बोलो, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नेक्स्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलो प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट बी माइनस ए। समझा क्या आपको ये? माइनस नहीं लेना है, प्लस लेना है, तो ब्रैकेट ए माइनस बी को बी माइनस ए करना पड़ेगा। समझ आपको ये? देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, देन ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, देन ए माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू ए सी। सही है, नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस टू ए सी। बी सी प्रोडक्ट पॉजिटिव आया, समझा क्या? क्योंकि दोनों निगेटिव है ना, माइनस बी माइनस सी। समस्या क्या भाई ये? पक्का? चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या है? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू ए बी,
ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, दिखा रहेगा आपने। एक ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फोर ए बी, यस और नो? एंड इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये सही है क्या? एंड बताओ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, बताओ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, एंड ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर रहेगा कि नहीं? तो इसका आंसर है टू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझा क्या आपको? ये टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर आंसर है ना इसका, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी तो कैंसिल हुआ, समझा? तो ये जो लास्ट वाले फॉर्मूले ये थोड़े ज़्यादा बार यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इसको बॉक्स करके रखता हूँ। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर के फॉर्मूले कोई पागल है, समझ रहा है क्या? एक बार वापस पढ़ोगे क्या आप, थोड़ा याद रखने की कोशिश करोगे इसको? हो गए क्या भाई? सच्ची में याद है क्या आपको ये? चलो जाए नेक्स्ट पॉइंट पे अभी। चलो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वन फिफ्थ ऑफ, बोलो वन हाफ ऑफ अ नंबर इज 11, तो एक समझो वो नंबर x है, तो वन फिफ्थ ऑफ, बोलो वन हाफ ऑफ अ नंबर, वो समझो x इज 11, नहीं समझा आपको? x का वन फिफ्थ ऑफ वन हाफ, समझा क्या? 11 है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 110, x इज इक्वल टू क्या रहेगा? देयरफॉर दैट नंबर इज 110, वन फिफ्थ ऑफ वन हाफ ऑफ अ नंबर इज 11, द नंबर इज 110, सही है? नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस टू बाई थ्री एंड फाइव बाई सेवनटीन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस टू बाई थ्री एंड फाइव बाई सेवनटीन, तो बोलो क्या रहेगा आंसर? एक्स स्क्वेयर माइनस, चलो सम ऑफ रूट कितना है बताओ, माइनस टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई सेवनटीन, ब्रैकेट के बाहर एक्स है क्या, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, माइनस टू बाई थ्री इंटू फाइव बाई सेवनटीन इज इक्वल टू जीरो, सही है? चलो एक्स स्क्वेयर माइनस, बताओ इनका प्रोडक्ट कितना आता है, दिस इज 51, चलेगा क्या? एंड इधर आएगा माइनस 34 प्लस 15, माइनस 34 प्लस 15 कितना आता है, माइनस 34 प्लस 15 माइनस 19 है या नहीं, ब्रैकेट के बाहर एक्स, प्लस इधर ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, माइनस 10 बाय 51, सही है क्या? एक काम करो, चलो दोनों साइड को 51 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आता है 51 एक्स स्क्वेयर प्लस 19 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, दोनों साइड को 51 से मल्टीप्लाई किया ना, बोलो कौन सा ऑप्शन, इज इट ऑप्शन सी 51 एक्स स्क्वेयर प्लस 19 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, टफ था बच्चों, कौन सा फॉर्मेट यूज किया हमने यहाँ पे बोलो, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो, इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद है आपको? नेक्स्ट, इफ पी कॉमा क्यू आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी प्लस क्यू एंड पी क्यू, चलो एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे, पहले मुझे सॉल्व करने दो। अच्छा ये सेंटेंस जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पढ़ो, इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो बोलो पी प्लस क्यू क्या रहेगा बताओ, पी प्लस क्यू माइनस वन, वन बाय टेन रहेगा, रहेगा कि नहीं? एंड पी क्यू कितना रहेगा बोलो, माइनस सेवन बाय टेन, ये समझा क्या बताओ? चलो अभी काम करो, फाइंड के आगे का क्वेश्चन वापस पढ़ो, बोलो क्वेश्चन क्या है, हाँ बोलो, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हुज रूट्स आर, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/10 एंड -7/10. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी प्लस क्यू का वैल्यू जानते हैं हम लोग, एंड पी क्यू उसका वैल्यू जानते हैं हम लोग, समझा क्या? तो क्या रहेगा आंसर बोलो, एक्स स्क्वेयर माइनस बोलो 1/10 प्लस -7/10, ये सम ऑफ रूट्स हुआ, एक्स प्लस 1/10 इंटू -7/10 इज इक्वल टू 0. तो बोलो इज इट एक्स स्क्वेयर माइनस 1/10 -7/10 कितना आता है -6/10, तो इसको +6/10 कर दूं क्या, +6/10 एक्स, डू यू एग्री, माइनस 7/100 इज इक्वल टू 0, डू यू एग्री? दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है आंसर बोलो, 100x² प्लस 60x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी, 100x² प्लस 60x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. टफ था ये, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है सॉल्व, थोड़ा बहुत कुछ कंफर्ट बढ़ गया है क्या अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, या नहीं? देखो ये आज का ये अपन ने 3 लेक्चर अभी तो जो कंप्लीट किया, इसमें इक्वेशंस के 5-6 क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का ही आने वाले, एक दिन भी अपन अगर आज के दिन सिंसियर है तो 5-6 मार्क अपने जेब में, अगर आप इतना इज्जत से रिवाइज करते तो पास होना बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता है, समझ आए क्या? उतना वो एक एक चीज़ कंप्लीट करके आगे जाना पड़ता है ना अपने को. चलो भाई आज मैं बैठा, चलो आज मैं चलो अकाउंट्स के 2 चैप्टर कुछ खत्म करके उठूंगा, है कि नहीं? अपना प्रॉब्लम वही है, अपन रोज पेंडिंग रखते हैं चीज़ें, फेल होने वाले स्टूडेंट का एक ही आदत रहती है, गंदी आदत, जिसकी वजह से वो फेल रहते, और वो आदत क्या है? पेंडिंग, कल करते, देखते, सोचते, है कि नहीं? एक चीज़ याद रखो, तुम्हें जो काम दिया है, तुम्हें पढ़ाई करने के लिए तुम्हारा काम है, वो कोई और कर ही नहीं सकता, बराबर है कि नहीं? एंड पेंडिंग, अभी जैसे कि मैं 7 दिन बीमार था, बराबर है कि नहीं? मैं क्लास नहीं लिया, बट मुझे वो 7 दिन में रोज़ मालूम था कि मुझे कि जो मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ ये आगे जाके मुझे ही करना है. आज वो 7 दिन आराम किया मतलब छूट गया, बच गया क्या मैं? नहीं, वो 7 दिन में जो काम नहीं किया वो आगे वो भर के किसने किसको निकालना है? मुझे ही निकालना है ना. अपन क्या कहीं पर नौकरी कर रहे क्या, गवर्नमेंट की नौकरी? भाई आज नहीं गए तो नहीं गए, कल का काम तो उतना ही रहता है वापस, ऐसा नहीं कि आज नहीं गए इसलिए कल ज़्यादा है कि नहीं? ऐसा है क्या? नहीं है, करेक्ट है कि नहीं? जो भी अभी इंटर के मेरे 5-6 लेक्चर जो चले गए, बराबर है कि नहीं? अब मैं उनको रोज़ शाम को 7 बजे की जगह 7:20 को 7:25 को छोड़ता हूँ, जबकि उनका लेक्चर का टाइम 7 बजे तक है, तो जब तक वो मेरा लॉस टाइम भर के नहीं निकलता तब तक तो है ना 7:20, 7:25 कभी 7:30, जबकि उनको 7 बजे छोड़ने का मैंने पहले दिन प्रॉमिस किया था, समझा क्या? अपने को ही करना रहता है ना ये, है या नहीं? अब आप लोग कह रहे हैं सर वो स्टूडेंट को फिर अभी, सीधी सी बात है वो 7 दिन नहीं थे तो वो 7 दिन में वो भी उन्होंने भी वो टाइम यूटिलाइज करना चाहिए था ना पढ़ने के लिए एंड ऑल दो थिंग्स, बराबर है कि नहीं? यही है भाई सीए कोर्स, इसमें टाइम एक सबसे बड़ा रिसोर्स है, उसको अपन अच्छे से यूटिलाइज करना सीखना चाहिए. अपन टाइम की इज्जत करेंगे तो टाइम अपनी इज्जत करेगा, है कि नहीं? नहीं तो टाइम अपनी इज्जत नहीं करेगा, टाइम खराब रहेगा फ्यूचर में, है या नहीं? तो करना पड़ता है ना इज्जत टाइम की, करना पड़ता है कि नहीं? एंड कहीं ना कहीं तुम मुझे मत बताओ बट तुम अगर एक बार फेल हो चुके हो तो तुम सोचो कि अपन ने क्या क्या किए थे पहले, ये चैप्टर चालू किया नको जाओ दिया था, एंड वो नहीं रहता क्या 10 जगह पे ऐसा थोड़ा थोड़ा मुंह मार के रखने का, मतलब समझता है क्या? एक भी चैप्टर पूरा नहीं करने का, अकाउंट्स पढ़ा बोर हो गया, थोड़ा लॉ उठाता हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, बोर झालं थोडं इकॉनॉमिक्स बघतो, लॉ ऑफ डिमांड, बराबर आहे की नाही? थोडं बोर झालं आता झोपतो, है की नाही? फिर 4 दिन कुछ भी नहीं पड़े, फिर उसके बाद वापस बुक ओपन किए, इक्वेशंस नको, इक्वेशंस थोडं BCK वाचतो, थोडा BCK, है की नाही? थोडं इंग्लिश पण बघून घेतो, इंग्लिश थोडा इंस्टाग्राम पण बघतो सोबत सोबत, इंस्टाग्राम सो गए. हाँ क्या किए बताओ? 8 दिन हो गए बीच में, 15 दिन हो गए, आउटकम क्या है? कुछ भी नहीं, 0, है या नहीं?
उसे अच्छा एक दिन 3 घंटे कंटिन्यूस बैठो एंड 2 चैप्टर खत्म कर दो, भले तो उसके बाद एक दिन पढ़ो ही मत कुछ, है कि नहीं? सबसे बड़ा टाइम वेस्ट जो है ना बच्चों अपना, वो कुछ नहीं करने में है कि नहीं? कुछ नहीं, अगर समझो ये लड़की घर जाती है, समझो शाम को 6 बजे पहुंची, सो गई, रात को 12 बजे तक सो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो तो रही है, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? उठ के पढ़ सकती है, फ्रेश हो जाएगी, है नहीं? बट प्रॉब्लम क्या है? अच्छा शाम को 6 बजे गए, सोए, सोई क्या? नहीं। अच्छा पढ़ी क्या? नहीं। खाना खाए क्या? नहीं। क्या किए? कुछ भी नहीं, कुछ किया ही नहीं। 6 बजे बैठे बुक खोलने के थोड़ा बहुत ऐसा कुछ किए, मोबाइल इधर, रील वील, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा स्नैपचैट, ये देखा, फिर किसी को फोन आया, वापस फेसबुक देखा थोड़ी देर और कुछ, तो फिर ये वो, खाना खाने जाओ क्या? जाओ क्या? नहीं। अच्छा आधे घंटे के बाद जाते, तब तक इंस्टाग्राम देखे, 9 बज गए, खाना खाया, 10 बज गए, हाँ क्या किए? 6 से 10, बराबर है कि नहीं? अच्छा मोबाइल पे बैठना था ना, हाँ चलो मोबाइल पे बैठने का, देखने का नहीं इधर उधर, फिर उसके बाद में मोबाइल को देखने का नहीं और पढ़ने का, कम से कम जो कर रहे हैं तो अगर टाइम पास कर रहे तो वो तो शिद्दत से करो ना, है या नहीं? बट वो भी नहीं करते अपन, बाजू में बुक रखा है, उधर ये रखा है, ये रखा है, पढ़ने का है कि नहीं? एंड बाद में मोटिवेशन चाहिए, सबसे बड़ा कॉमर्स स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या चाहिए सर? मोटिवेशन चाहिए, इतना ही, कैसे ये मोटिवेशन, कुछ नहीं मोटिवेशन, मोटिवेशन चाहिए इतना ही सर, कैसे मतलब आठ कहाँ से आता है मोटिवेशन? ऐसे किसी ने तो आके एक छपट दे दिया दिया एंड पढ़ बोला तो आता है मोटिवेशन, करोगे फिर मोटिवेट आपको कैसे? मुझे मोटि एंड कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, आज मैं मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड करके जा रहा हूँ, हाँ फिर मोटिवेशनल लेक्चर यूट्यूब पे, ऑनलाइन या कहीं तो, हाँ जो वो बोलेगा कि देखो भाई जिंदगी में करना पड़ेगा अपने कुछ, अपना बस अपन ही है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, यस यस पढ़ूंगा, यस यस पढ़ूंगा, उसके बाद बाहर आए फुस, है कि नहीं? बाहर आ गए फुस, गई हवा सब, बराबर है कि नहीं? क्या मोटिवेशन काम में आए, है कि नहीं? जब तक वो तुम्हारे अंदर से वो डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, मोटिवेशन का 0 यूज है कि नहीं? कि भाई मुझे करना है यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद को लेना है या नहीं? एंड ऐसा जो अपन एक अभी जैसे कि समझो मैं एक टिपिकल अपना घर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास घर से आया, यहाँ पे ऐसे लगता था कि भाई अपने को फेल तो होना ही, डर लगना चाहिए ऐसे, एक ऐसा शेक होना चाहिए आदमी ये ख्याल से भी, समझ आए कि नहीं? फिर बराबर पढ़ता है इंसान, वो एक, मैं ये नहीं बोलना चाहिए कि निगेटिव होना चाहिए, हमें हमेशा डरना चाहिए ये नहीं, बट एक वो होना चाहिए, है कि नहीं? एक चीज अपने को होने नहीं देना है, करेक्ट और नॉट? तो वो होने के बाद का जो डर है या पेन होने वाला है वो पहले से थोड़ा दिमाग में होना चाहिए ना, है या नहीं? तभी तो तुम्हारे जो एक्शंस है वो थोड़े कैलकुलेटेड रहेंगे ना, बराबर है कि नहीं? तो थोड़े कैलकुलेटेड एक्शंस रहेंगे ना, तो जरूरी है। चलो पॉइंट नंबर 90, इफ पी कॉमा क्यू आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पी कॉमा क्यू आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3x² - 19x - 1 = 0, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी बाय क्यू एंड क्यू बाय पी, ध्यान दे रहे हो क्या आप? ओके तो चलो बोलो, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी बाय क्यू एंड क्यू बाय पी? सबसे पहले तो बताओ जो मैं हाईलाइट किया उसके, उस इक्वेशन के रूट्स क्या है? पी एंड क्यू, तो पी प्लस क्यू कितना है बोलो? 19/3, एंड पी क्यू कितना है? -1/3, इतना तो क्लियर है। ओके उसके बाद बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लिख रहे हो मेरे साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी बाय क्यू एंड क्यू बाय पी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर बोलो मेरे भाई पी बाय क्यू एंड क्यू बाय पी इज क्या रहेगा बोलो? क्या रहेगा? x² - बोलो पी बाय क्यू प्लस क्यू बाय पी, ब्रैकेट के बाहर एक्स, प्लस पी बाय क्यू इंटू क्यू बाय पी इज इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मेट यूज किया मैंने?
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, डू यू एग्री? अच्छा बताओ, इज इट एक्स स्क्वायर माइनस, टेल मी, इज इट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. वन कहाँ से आया समझा ना, वो पी क्यू पी पी क्यू क्यू तो कैंसिल हुआ, सही है. अब बताओ इज इट एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू पी क्यू. तो बोलो पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वायर क्या आता है? 19 बाय 3 का स्क्वायर. बोलो 19 बाय 3 का स्क्वायर बताओ कितना है? 19 का स्क्वायर कितना है? 361 ना, तो ये 361 बाय 9. पी प्लस क्यू का स्क्वायर आया ना ये, माइनस टू पी क्यू. बोलो टू पी क्यू कितना है? टू पी क्यू, टू इंटू माइनस वन बाय 3, तो इज इट माइनस टू बाय 3? मतलब ये प्लस टू बाय 3 होगा ना, येस और नो? तो प्लस टू बाय 3 की जगह प्लस 6 बाय 9 करूँ क्या? येस और नो? डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो पी क्यू. पी क्यू का वैल्यू कितना है बताओ? माइनस वन बाय 3. तो माइनस वन बाय 3 की जगह माइनस 3 बाय 9 करूँ क्या? येस और नो? एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. कुछ जा रहा है दिमाग में? जा रहा है क्या दिमाग में? देयरफॉर बोलो आंसर, एक्स स्क्वेयर माइनस, बोलो न्यूमरेटर कितना है? 361 प्लस 6 कितना है? 367 बाय, हाँ बोलो 3. डू यू एग्री? 99 तो कैंसिल हुआ. अच्छा ये माइनस का प्लस हुआ क्या? हुआ या नहीं? यस, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. चलो दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 3x स्क्वेयर प्लस 367 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो. है क्या ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन? बी सही है. 3x स्क्वेयर प्लस 367 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो. मुझे बता बच्चों, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का दो फॉर्मूला और कैलकुलेशन छोड़ के ऐसा क्या किया हमने? आप बराबर है कि नहीं? नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू जीरो, येस और नो? एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस? पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज अ पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस, येस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? ओके, क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी कॉमा क्यू कॉमा आर इज, अच्छा बताओ जिसके रूट्स पी क्यू आर है उसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? एक्स माइनस पी, एक्स माइनस क्यू, एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो. समझा क्या आपको ये? येस और नो? अच्छा एक काम करो, एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू करो मल्टीप्लाई, क्या आता है? एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स माइनस पी एक्स प्लस पी क्यू इंटू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो. नहीं समझा आपको? हाँ चलो, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में, एक्स स्क्वेयर से. बोलो एक्स क्यूब बराबर है ना माइनस एक्स स्क्वेयर आर. क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में, क्यू एक्स से माइनस क्यू एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स आर. सही है क्या? माइनस पी एक्स से मल्टीप्लाई करो अगले ब्रैकेट में, माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स आर प्लस पी क्यू से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में अगले. बोलो पी क्यू एक्स माइनस पी क्यू आर इज इक्वल टू जीरो. डू यू एग्री? डू यू एग्री? अब बताओ इज इट एक्स क्यूब माइनस, ध्यान दे रहे हो क्या? अभी देखो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो तीन टर्म देखो आप, हाईलाइट किए हुए दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या तीन टर्म? तो ये ऐसा आएगा क्या बताओ? माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वेयर. नहीं समझा आपको ये? समझा क्या? प्लस आगे की तीन टर्म बताओ क्या है? इसमें एक्स कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? बोलो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर. समझा क्या? एंड फाइनली माइनस पी क्यू आर इज इक्वल टू जीरो. समझा क्या आपको ये? अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे वो जो लास्ट में दिख रहा है पी क्यू आर, वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है कि नहीं? इसलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला याद रहेगा आपको, माइनस डी बाय ए. नहीं समझा आपको? क्यूबिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस डी बाय ए, दिख रहा है क्या? एंड ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए. समझा क्या फॉर्मूला कैसे आया था फिर वो? तो फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स क्या था एक बार वापस बताओ? सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी बाय. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? जस्ट और एक बार यहां पे बताओ, फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन, फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन लेट्स से 3x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 18x
प्लस 87 इज इक्वल टू जीरो। ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए आप मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, तुम बताओ सम ऑफ रूट्स माइनस 19 बाय 3 आएगा कि नहीं, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 87 बाय 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस 87 बाय 3 एंड सम ऑफ रूट्स इज माइनस 19 बाय 3। कुछ गया दिमाग में? फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है, माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का माइनस डी बाय फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी जानते हो आप, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय, ये लिखा आपने बच्चों। ओके अब मैंने यहाँ पे ना बच्चों रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए एंड फैक्टर्स पूछा है, या कभी फैक्टर्स दिए एंड रूट्स पूछे, समझा क्या? तो ये टेबल कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलो बताओ 3, -2 ये क्या है, रूट्स। तो फैक्टर्स क्या रहेंगे, x माइनस 3 एक्स प्लस 2 सही है। अच्छा अभी रूट्स दिए तो फैक्टर्स बताओ, x प्लस 8 x प्लस 9 सही है भाई। चलो अभी फैक्टर्स दिए तो रूट्स बताओ, माइनस 3 बाई 2 8 बाय 7 सही है। नेक्स्ट रूट्स दिए फैक्टर्स पूछा है, हाँ बोलो, 8x माइनस 3 17x प्लस 9। अच्छा अगर आपको क्रॉस चेक नहीं हो रहा है तो अभी फैक्टर्स के बेस पे रूट्स बताओ तो टैली हो जाएगा, 8x माइनस 3 क्या है फैक्टर, तो रूट क्या आता 3 बाय 8, 17x प्लस 9 तो रूट क्या था, x क्या था माइनस 9 बाय 17, समझ रहा है क्या सबको? हाँ चलो नेक्स्ट बताओ, फैक्टर्स दिए रूट्स पूछे, माइनस 10 बाय 7 एंड 11 बाय 8 सही है। हाँ चलो नेक्स्ट बोलो, 3x प्लस 2 एंड 13x माइनस 8, 13x माइनस 8 सही है। हाँ चलो नेक्स्ट बोलो, x माइनस 1 x प्लस 1 सही है। नेक्स्ट x माइनस 1 27x प्लस 8, 27x प्लस 8 नेक्स्ट बोलो, 33 एंड माइनस 31, 33 एंड माइनस 31 नेक्स्ट, अच्छा सॉरी माइनस 31 बाय 8 सही है ना, यस और नो? नेक्स्ट हाँ बोलो, 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 2x प्लस 1 तो बताओ बच्चों रूट्स के बेसिस पे फैक्टर्स बता सकते हो, फैक्टर्स के बेसिस पे रूट्स बता सकते हो। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ पक्का क्या, पक्का क्या? नेक्स्ट अच्छा समझो रूट्स है 0 एंड 8 बाय 3 तो फैक्टर्स क्या रहेंगे बताओ, 0 8 बाय 3 रहेगा तो x एंड 3x माइनस 8 समझा क्या, ऐसे आएगा ना या तो x इज इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, यस और नो? कुछ जाता है दिमाग में? रूट्स के बेसिस पे फैक्टर्स कुछ जा रहा है दिमाग में? 0 8 बाय 3 लिखा गया आपने, और एक क्वेश्चन इधर। नेक्स्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अच्छा रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू c। तो चलो सबसे पहले तो इक्वेशन वापस बताओ क्या था, 3k माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x स्क्वायर प्लस 19x बोलो माइनस 3k प्लस 63 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है ना। तो रूट्स आर रेसिप्रोकल्स बोलो, एज रूट्स आर बोलो रेसिप्रोकल्स। अब ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अब ये एग्जाम में आप ये रफ में लिखने वाले थे क्या, एज रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू c। तो बताओ a का वैल्यू कितना है, 3k माइनस 2, c का वैल्यू कितना है माइनस 3k प्लस 63 सही है। तो 3k प्लस 3k 6k हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 65, देयरफॉर k इज इक्वल टू 65 बाय 6 ऑप्शन बी, 66 कैंसिल होगा ना, नहीं ना, 65 बाय 6 66 कैंसिल, आंसर इज 5 नहीं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन,
तो रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इज एन, ऐसा रहा तो क्या होता है, याद है क्या आपको, बी का वैल्यू जीरो होता है। सबसे पहले तो इक्वेशन बताओ वापस क्या है, थ्री एक्स स्क्वेयर बोलो प्लस ब्रैकेट में माइनस टू के प्लस 21 बार एक्स माइनस 35 इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है क्या, पहले वो बताओ मुझे। तो बताओ एज रूट्स आर, हाँ बोलो, रूट्स आर इक्वल बट, इक्वल बट अपोजिट इन साइन, इक्वल बट अपोजिट इन साइन, बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बी कितना है बोलो, माइनस टू के प्लस 21 इज इक्वल टू जीरो, देयर फोर टू के इज इक्वल टू 21, देयर फोर के इज इक्वल टू 21 बाय 2, ऑप्शन ए, या 10.50 बोल सकते हो आंसर, 21 बाय 2 ऑप्शन में है, बराबर ना। तो ये तीन शॉर्टकट याद रहेंगे क्या बच्चों, दो तीन बार अभी आए कहीं ना कहीं। रूट्स आर इक्वल बोलते हैं दिमाग में क्या जाना चाहिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ए इज इक्वल टू सी, रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, बी इज इक्वल टू 0, कुछ गया दिमाग में। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट ओके वाई है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फिक्स कॉस्ट कितना है 380,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 10, तो बोलो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इतना तो समझता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलता है अपने को बोलो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, डू यू एग्री, एंड फिक्स कॉस्ट का नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से कोई संबंध नहीं रहता है, दैट इज फिक्स, समझता है ना आपको, जैसे रेंट ऑफ द प्रीमाइसिस, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ कोई संबंध नहीं है। तो बोलो यहाँ पे टोटल कॉस्ट की जगह क्या बोला है उन्होंने, वाई बोला है ना, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 380,000 दिया है क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 10, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है एक्स, तो वाई इज इक्वल टू 380,000 प्लस 10x, नहीं समझा आपको, कौन सा ऑप्शन बी, डू यू एग्री, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज किया भाई, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की जगह मैंने क्या लिखा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो वाई इज इक्वल टू 380,000 प्लस 10x, वाई इज इक्वल टू 380,000 प्लस 10x। नेक्स्ट, इफ पी कॉमा क्यू आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय पी एंड 1 बाय क्यू। अच्छा बताओ, ये जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसके रूट्स क्या है, p एंड q, तो p प्लस क्यू कितना रहेगा, p प्लस क्यू सम ऑफ रूट्स माइनस टू, एंड पी क्यू कितना रहेगा 1 या माइनस 1, 1 पी क्यू 1 रहेगा। अच्छा आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, बोलो हुज रूट्स आर 1 बाय p एंड 1 बाय q इज, क्या रहेगा आंसर बताओ, एक्स स्क्वेयर माइनस बोलो 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 1 बाय पी इंटू 1 बाय क्यू इज इट इक्वल टू 0, तो बोलो क्या रहेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस बोलो पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस बोलो 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 0, डू यू एग्री, एक्स स्क्वेयर माइनस बोलो पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना था माइनस टू, पी क्यू का वैल्यू कितना था 1 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 1 अपॉन पी क्यू, 1 अपॉन पी क्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आंसर बताओ क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी। बाय चांस वो जो क्वेश्चन था वही आंसर आया, बट वो बाय चांस आया बच्चों, ऐसा कोई रूल नहीं है, इज दैट क्लियर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, समझा क्या, टफ था ये, लिखते हो के साथ में नहीं लिखते हो क्या। नेक्स्ट, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना है 45 एंड ए बी कितना है 18, तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी पूछा है, बराबर है ना, यस और नो। अच्छा मुझे बताओ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी, तो बोलो इसमें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना है क्वेश्चन में
45 प्लस 2 इंटू ए बी कितना है 18, तो 45 प्लस 36 क्या आंसर आता है 81। तो इज इट ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर 81 है क्या? देयरफॉर ए प्लस बी कितना रहेगा 9। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 तक पहुँचे क्या आप लोग? अरे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया यार, कोई बड़ी बात है क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपने को पता था, ए बी पता था, क्वेश्चन क्या पूछा है बताओ, बोलो। 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इज इट ए प्लस बी डिवाइड बाय ए बी, एंड ए प्लस बी कितना है 9, ए बी कितना है 18, तो 9 बाय 18 आंसर इज 1 बाय 2, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सही है। 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी यही क्वेश्चन है ना, तो आंसर क्या हुआ ए प्लस बी अपॉन ए बी, ए प्लस बी अपॉन ए बी, एंड ए प्लस बी कितना है 9, ए बी कितना है 18, तो आंसर इज 1 बाय 2, आंसर इज 1 बाय 2। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बोलो, ये तो कैलकुलेटर का यूज है, बोलो। 0.7214 इंटू 20.37 डिवाइडेड बाय 69.80 का पावर 1/3 बोल रहे हैं ना, एक काम करो वो ब्रैकेट पूरा सॉल्व करो, क्या आता है 0.7214 बराबर है ना, इंटू 20.37 डिवाइडेड बाय 69.80, बताओ ये ब्रैकेट का आंसर क्या है 0.21052891117 एंड इसका पावर कितना है बोलो 1/3। तो चलो कैलसी ऑन करो, वापस ले लो 0.21052891117 स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट कितनी बार 12 टाइम्स, स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स करो, किए क्या आप लोग? माइनस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करके फाइनल आंसर बताओ 0.55949 इसके आसपास कुछ है क्या 0.5949 नहीं समझा रहेगा, ये तो डायरेक्ट स्टेट कैलसी का शॉर्टकट था ना यार, 0.5949 आंसर है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 5, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 का पहला मल्टीपल कौन सा है 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20, ऐसे कहाँ तक जाएगा बोलो 30 टर्म्स, मतलब लास्ट टर्म क्या रहेगा 150। इन सब का एवरेज फाइंड करना है, एवरेज मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यस और नो, तो बोलो एवरेज क्या रहेगा बोलो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस डॉट 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 अप टू 150 डिवाइडेड बाय कितना 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ना, यस और नो, तो क्या रहेगा 5 प्लस 10 प्लस 50 कितने टर्म्स है वो 30, तो टेल मी इज इट 30 बाय 2 इन ब्रैकेट 5 प्लस 150, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने एन बाय 2 इन ब्रैकेट टी 1 प्लस टी एन डिवाइडेड बाय बोलो 30, डिवाइड बाय 30 है ना, यस और नो, तो करो कैलसी पे 30 कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो 155 बाय 2 बराबर है ना, वेदर आंसर इज 77.50, वेदर आंसर इज 77.50 ऑप्शन ए, तो कैलसी पे कर सकते हो ना आप, 77.50 इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 5 सही है। नेक्स्ट अ क्रिकेटर स्कोर्ड 180 258 रन्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड टेस्ट सो दैट एवरेज ऑफ थ्री टेस्ट इज 230। अच्छा बताओ पहले टेस्ट में कितना रन निकाला 180, दूसरे में 258, तीसरे में मान लो एक्स रन निकाला, तो ये तीनों टेस्ट का एवरेज, ये तीनों का टोटल डिवाइड बाय 3 होगा, यानी तीनों का एवरेज कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 230, तो करो कैलसी पे 230 इंटू 3 किए क्या आप लोग, कितना था ये 690 इज इक्वल टू क्या रहेगा 180 प्लस 258, 180 प्लस 258 कितना है 438 बराबर है ना, प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 252, तो उसने थर्ड टेस्ट में कितने रन निकालना चाहिए 252, एंड 252 रन निकाला उसने, तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा 230, एवरेज 230 हो जाएगा सही है पक्का। चलो नेक्स्ट अ नंबर इज एडेड टू अनदर टोटल बिकम्स 150% ऑफ सेकंड नंबर,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर. तो मान लो फर्स्ट नंबर एक्स है, फर्स्ट नंबर क्या है एक्स है एंड सेकंड नंबर क्या है वाई. तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स इज टू वाई पूछा है ना. आपको क्वेश्चन वगैरह समझता है ना यार फास्ट, या बहुत कम है प्रोसेसिंग स्पीड. नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर अनदर एडेड टोटल. बाप रे नको दूसरी लाइन आली नको. ऐसे तो नहीं है ना, क्वेश्चन समझता है ना तुमको. तो बोलो क्या बोल रहा है, नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर. तो एक नंबर एक्स में वाई ऐड किया तो टोटल कितना होता है बोलो, 150% मतलब 150/100 ऑफ सेकंड नंबर. सेकंड नंबर क्या है वाई. तो ये इन्फॉर्मेशन दिया है ना आपको, एक्स इज टू वाई फाइंड करना है. तो 100 को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 150y. तो 100x इज इक्वल टू 50y है या नहीं. देयरफॉर x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 50/100. तो आंसर इज 1/2. तो इज इट 1:2. रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड नंबर इज 1:2. रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इज 1:2 है क्या ऐसे. नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर, कैलकुलेट द नंबर सच दैट इट इज इक्वल टू 3 times ऑफ इट्स डिफरेंस फ्रॉम 56. तो समझो वो नंबर एक्स है, वो नंबर क्या है एंड दैट नंबर इज इक्वल टू क्या बोल रहा है ये, 3 times ऑफ हाँ बोलो डिफरेंस ऑफ दैट नंबर फ्रॉम 56. तो एक नंबर का 56 से डिफरेंस कितना होता है, 56 - x सही है. तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 168 - 3x. तो 4x इज इक्वल टू 168. तो वो नंबर क्या आ रहा है बोलो, 42. नंबर क्या है 42, ऑप्शन सी. अच्छा 2 seconds में हम ऑप्शन से कंपेयर कर सकते थे, सुन रहे हो क्या, 42 नंबर है, 42 का 56 से डिफरेंस कितना है 14. 42 का 56 से डिफरेंस कितना है 14 एंड 14 का 3 times क्या है 42. तो जो नंबर है वो उस नंबर के 56 के साथ जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस के 3 times है. नहीं समझा आपको, वो नंबर का 56 से डिफरेंस कितना है 14 एंड वो डिफरेंस के 3 times वो खुद नंबर है. तो 14 के 3 times वो खुद नंबर है, यस और नो. नेक्स्ट kx plus 2y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 21 हैव यूनिक सॉल्यूशन. मतलब ये सॉल्यूशन है बोल रहा है या नहीं बोल रहा है एंड सॉल्यूशन है मतलब ये लाइन पैरेलल है या नहीं है, नहीं है. अरे सॉल्यूशन है मतलब दे इंटरसेक्ट, मतलब ये पैरेलल नहीं है. एक मिनट ध्यान दो. अब मुझे बताओ व्हाट इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन हियर, व्हाट इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, व्हाट इज स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बताओ मेरे भाई, -k/2 एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, व्हाट इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, -3/1. डू यू एग्री. अच्छा मुझे बताओ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन रहा तो वो लाइन पैरेलल रहेंगे. तो आप बताओ क्या ना, इसे यहां पे अगर k इज इक्वल टू 6 रहेगा तो दे आर पैरेलल. तो k इज इक्वल टू 6 रहा तो दे आर पैरेलल, मतलब दे हैव नो सॉल्यूशन. क्या बोल रहा है, दे हैव नो सॉल्यूशन बोल रहा है क्या, नहीं. तो इट हैज द सॉल्यूशन बोल रहा है. तो k का वैल्यू 6 रहा तो दे हैव नो सॉल्यूशन. तो k का वैल्यू 6 छोड़ के कुछ भी रहा तो दे हैव द सॉल्यूशन, क्योंकि k इज इक्वल टू 6 के लिए दे हैव नो सॉल्यूशन. तो समझा क्या आपको ये. तो k फॉर k का वैल्यू एनीथिंग अदर देन 6 दे हैव द सॉल्यूशन एंड दे हैव सॉल्यूशन. सॉल्यूशन रहता है तो यूनिक ही रहता है. दिस ऑलवेज ओनली 1 point ऑफ इंटरसेक्शन, समझता है ना. दो लाइन को दो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रह सकते हैं क्या, नहीं. सॉल्यूशन है मतलब यूनिक ही रहता है. सॉल्यूशन मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई, समझता है आपको ये. तो k इज इक्वल टू 6 रहा तो दे आर पैरेलल, मतलब दे हैव नो सॉल्यूशन, करेक्ट है. तो इफ k इज नॉट इक्वल टू 6, इफ k इज नॉट इक्वल टू 6 देन दे आर नॉट पैरेलल, देन दे आर नॉट पैरेलल. कुछ गया दिमाग में. नेक्स्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. ये अपना टिपिकल क्वेश्चन है अभी. नो सॉल्यूशन मतलब क्या बोलो, ऐसे लिखो, लिखो दीज टू इक्वेशंस या दीज टू लाइन्स हैव बोलो नो सॉल्यूशन, दीज टू लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन कॉमा, इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर.
एंड अगर ये पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब क्या, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, देयरफॉर लिखो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो बोलो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितना है, माइनस नाइन बाय फोर, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कितना है, माइनस सेवन बाय के, देयरफॉर हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कितना आता है, नाइन के इज इक्वल टू 28, माइनस माइनस तो प्लस हुआ, बराबर है ना, तो के इज इक्वल टू 28 बाय 9, ऑप्शन ए, समझा क्या, के इज इक्वल टू 28 बाय 9, कुछ गया दिमाग में, के इज इक्वल टू 28 बाय 9, आई होप यू आर गेटिंग दिस, समझा सबको। नेक्स्ट, इफ बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4ac, इफ बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4ac देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अच्छा बताओ क्या दिया है, बी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 4ac, मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इतना तो पता है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac पॉजिटिव है, बट परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं अपने को पता नहीं है, तो पॉजिटिव है इधर ही क्लियर होगा कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर, बट रैशनल रहेंगे या इरैशनल रहेंगे वो पता नहीं, क्योंकि वो तो तब पता चलेगा जब वो परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं है पता चलेगा, तो कैन आई से एटलीस्ट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रैशनल है इरैशनल है हमें पता नहीं, येस और नो, बट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल इतना तो पक्का, येस और नो, अब वो रैशनल है या इरैशनल है ये तो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है या परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, समझा आपको ये। नेक्स्ट, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैज वन रूट एज जीरो, तो एक रूट जीरो है बच्चों, एक रूट जीरो है, तो एक रूट जीरो है, रूट मतलब क्या होता है बोलो, रूट मतलब ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स होता है विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, येस और नो, तो बोलो एक्स स्क्वेयर प्लस इक्वेशन क्या है बताओ, फोर के एक्स प्लस के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, जीरो, दैट मीन्स इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड, तो बोलो इट इज जीरो स्क्वेयर प्लस फोर के इंटू जीरो प्लस के प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर के इज इक्वल टू माइनस टू, नहीं समझा आपको ये, जीरो तो जीरो ही होगा ना वो, तो के इज इक्वल टू माइनस टू, समझा बेसिक कंसेप्ट है या नहीं, क्या कंसेप्ट था बोलो, रूट मीन्स बोलो सच वैल्यू ऑफ एक्स विच कैन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ आया क्या आपको ये, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स सच वैल्यूज ऑफ एक्स विच विल या विच कैन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन तो लिखो यहां पे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स बोलो सच वैल्यूज ऑफ एक्स विच कैन सेटिस्फाई दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सच वैल्यूज ऑफ एक्स विच कैन बोलो सेटिस्फाई दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स सच वैल्यूज ऑफ एक्स विच कैन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। नेक्स्ट, इफ द इक्वेशन, ओके इक्वेशन दिया हुआ हैज इक्वल रूट्स, हैज बोलो इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स है मतलब क्या होना चाहिए बोलो, एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या जाना चाहिए बोलो, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, डू यू एग्री, चलो बताओ इस क्वेश्चन में बी का वैल्यू कितना था बोलो, पी प्लस फोर, एक्चुअली वो माइनस पी प्लस फोर था, माइनस ब्रैकेट में पी प्लस फोर का स्क्वेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता वो माइनस नहीं रहा तो भी, समझता है क्या, स्क्वेयर तो पॉजिटिव आएगा ना, माइनस हाँ बोलो फोर इंटू ए कितना है बोलो वन, सी कितना है 2p plus 5 is it equal to 0, चलो p plus 4 bracket square बताओ कितना था, p square plus 8p plus 16 minus 8p minus 20 is it equal to 0, है या नहीं, तो ये 8p minus 8p cancel हुआ, तो क्या बचा बोलो, p square minus 4 is equal to 0, therefore p square is equal to 4, therefore p is equal to 2 or minus 2, तो ऑब्वियसली पी इज इक्वल टू प्लस और माइनस टू, प्लस और माइनस टू, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, टफ है ये, रूट्स इक्वल बोलते दिमाग में क्या घुसना चाहिए, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो,
लिखा क्या नेक्स्ट, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ 10 यूनिट्स कॉमा 20 यूनिट्स इज 15,000 एंड 20,000, फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ 30 यूनिट्स. तो 10 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है, यूनिट्स एंड टोटल कॉस्ट. हाँ बोलो, 10 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है, 10 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है 15,000, एंड 20 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना है 20,000. तो शायद आपको ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा रहेगा ये फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, याद है क्या क्या फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू. हाँ बोलो, आपने इको में पढ़ा रहेगा ना, ये चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा टी सी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू पढ़ा है क्या इको में, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. कितना है चेंज इन टोटल कॉस्ट 5,000, चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है 5,000, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 10. तो टेल मी वेदर इट इज 500 पर यूनिट इज वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा बताओ, कोई भी एक डेटा यूज करो एंड यू कैन गेट फिक्स कॉस्ट. अब बताओ 10 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कितना था, 10 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट कितना था 15,000 टोटल था. क्या ना, इसे वो 15,000 में से 10 इंटू 500 इतना वेरिएबल था, 500 रुपये पर यूनिट वेरिएबल है ना, तो फिक्स कॉस्ट कितना बोलो 10,000, यस और नो. या तुम 20 यूनिट का डेटा यूज करो, 20 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना था बोलो 20,000, एंड वो 20,000 में से वेरिएबल कितना था 20 इंटू 500, 10,000 वेरिएबल था. तो 20,000 में से 10,000 वेरिएबल था तो फिक्स कितना 10,000. समझा क्या आपको ये, तो आप बोलो क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ 30 यूनिट्स, ये बोला है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ 30 यूनिट्स. अच्छा बताओ टोटल कॉस्ट ऑफ 30 यूनिट्स कैसे मिलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इतना तो समझता है. बोलो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, बोलो मेरे भाई फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 10,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना है बोलो 500 पर यूनिट इंटू 30 यूनिट्स. तो 30 इंटू 500, 15,000 प्लस 10,000 फिक्स आंसर इज 25,000. तो 25,000 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 30 यूनिट्स, सही है. कुछ गया दिमाग में, नेक्स्ट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5, -5, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. बोलो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है बोलो 5 प्लस -5 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 5 इंटू -5 इज इक्वल टू 0. तो टेल मी इज इट एक्स स्क्वेयर माइनस 0x - 25 इज इक्वल टू 0. तो क्या आंसर है बोलो एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0. डू यू एग्री, एंड ये सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये तो 2 सेकंड में समझ रहे ना, इसके रूट्स 5 एंड -5 हुए, फैक्टर्स एक्स माइनस 5 x + 5 हुए, है या नहीं. नेक्स्ट इफ पी कॉमा क्यू आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा बताओ ये जो मैं हाईलाइट किया हुआ इक्वेशन इसके रूट्स क्या है पी कॉमा क्यू, तो पी प्लस क्यू कितना आएगा बताओ, पी प्लस क्यू -6/3 मतलब कितना -2. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq पूछा है, मतलब पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर पूछा है, एंड पी प्लस क्यू कितना है -2 का स्क्वेयर पूछा है, आंसर इज 4. अरे पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq मतलब क्या भाई, पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर, एंड पी प्लस क्यू ब्रैकेट स्क्वेयर पूछा है, और पी प्लस क्यू फाइंड करना 1 सेकंड का काम है या नहीं. तो क्या आंसर है 4 है क्या आंसर. नेक्स्ट इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अच्छा रूट्स इक्वल बोलते दिमाग में क्या घुसना चाहिए, तो एज रूट्स आर इक्वल b² - 4ac क्या होना चाहिए 0. तो बोलो b का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, -p² -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है 8p - 15 इज इट इक्वल टू 0. तो टेल मी इज इट p² - 32p + 60 इज इक्वल टू 0. डू यू एग्री, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका सम है -32 एंड प्रोडक्ट है 60, तो वो दो नंबर है -30 एंड -2. सुपर शॉर्टकट अप्लाई हुआ, देयरफॉर p इज इक्वल टू बोलो क्या रहेगा 30 और p इज इक्वल टू 2. तो b का वैल्यू है 30 और 2, ऑप्शन ऑप्शन सी 30 और 2.
तो रूट्स आर इक्वल बोलते ही दिमाग में पहले क्या जाना चाहिए था, रूट्स आर इक्वल बोलते ही बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर माई फ्रेंड्स? नेक्स्ट, आउट ऑफ थ्री नंबर्स, आउट ऑफ थ्री नंबर्स, ओके, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 24, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, समझो फर्स्ट नंबर एक्स है, फर्स्ट नंबर एक्स है, समझा क्या, सेकंड नंबर वाई है एंड थर्ड नंबर जेड है, समझ रहा है क्या? तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? उन्होंने क्या क्वेश्चन में डेटा दिया है बताओ, मुझे जल्दी बताओ। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक्स प्लस वाई कितना है 24। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड वाई, सॉरी एक्स प्लस जेड कितना है 26। और क्या दिया है? सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड मतलब वाई प्लस जेड कितना दिया है 30। ये तीन इक्वेशन दिए। चलो एक मिनट, सब लोग ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? तीन इक्वेशन दिए, दिख रहा है सबको? एक काम करता हूँ, x प्लस वाई इजिकल टू 24 वापस लिखता हूँ, चलेगा क्या? तो x प्लस, अब बताओ मैं y की जगह पे 30 माइनस जेड लिखा तो आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? समझा क्या? तो ये x प्लस 30, समझा ना, माइनस, अब मैं z की जगह पे 26 माइनस x लिखा तो आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? समझा क्या? तो बोलो ये क्या इक्वेशन बन रहा है, बोलो, x प्लस 30 माइनस 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24। तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 2x, बराबर है ना, इज इक्वल टू 30 माइनस 26 कितना आता है 4, 4 उधर जाके डिडक्ट करो, 24 माइनस 4 कितना आता है 20, तो x कितना आया 10, x 10 आया। अच्छा बताओ, x 10 आया तो x प्लस वाई 24 है, तो y कितना होगा 14, y 14 होगा, अरे x प्लस वाई 24 है ना भाई, x 10 है एंड y प्लस, सॉरी x प्लस जेड 26 है, तो z कितना होगा, z कितना होगा 16, तो z इज इक्वल टू 16। देखो ऑप्शन में स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 10, वो तीन नंबर कौन से है, समझा क्या, 10 14 16 नहीं समझा, 10 14 16 क्या क्या मैंने समझा क्या, तीनों में इक्वेशन फॉर्म किया एंड तीनों में बाद में ऐसा रिलेशन यूज किया कि मुझे एक नंबर मिल जाए, एंड एक नंबर मिल गया तो बाकी जो दो तो मिल ही जाते हैं ना, फिर मैंने क्या किया, x प्लस वाई में y की जगह z लाया एंड फिर z को वापस x मिलाया, है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, अच्छा बताओ ये जो लाइन दिया हुआ है उसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन जो दिया हुआ है उसका स्लोप बोलो, माइनस 2/78 मतलब माइनस 1/39, ये स्लोप है ना बच्चों? तो बोलो स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन क्या रहेगा, स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन, तो बोलो माइनस 1/39 का रेसिप्रोकल क्या होता है 39, एंड अपोजिट इन साइन, प्लस रहा तो माइनस करते हम लोग, ताकि माइनस 1/39 एंड 39 का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, सॉरी माइनस 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन के केस में स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स माइनस 1 रहता है, टोटल में वेदर आंसर इज 39, वेदर आंसर इज 39, कुछ गया क्या दिमाग में? नेक्स्ट, द पॉइंट माइनस 2, -1/3 लाई इन डैश क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कोई डाउट नहीं, कैसे थर्ड क्वाड्रेंट क्यों, माइनस माइनस एक्स निगेटिव है वाई निगेटिव है, मतलब पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कुछ गया दिमाग में? हुआ क्या ये चैप्टर कुछ रिवाइज अच्छे से या फुल डिप्रेशन? ठीक है, तो शैल वी स्टॉप हियर, यस।